तेलंगाना दक्कन न्यूज में आप तमाम के खैर मकदमे बढ़ते हैं खबर की जानिब। तालाब पर कब्जे के सिलसिले में बीजेपी पार्टी के लीडर्स एक दूसरे से भिड़ पड़े। तफसीलात में बताया गया कि शेर लिंगमपल्ली का ये वाकया रहा है जहां पर एक बीजेपी के कायद सत्यनारायणा के पीए ने फोटोस ले रहे थे जो कि रंगनाथा टेम्पल गोपनपल्ली तालाब के पास के बताए गए। फौरी तौर पर सत्यनारायण के पीए मधु और ड्राइवर भिक्षापति पर मुकामी कारपोरेटर के हवारियों ने हमला कर दिया, ऐसी तिल्ला मिली है। बताया गया कि शेरलिंगमपल्ली बीजेपी लीडर्स गज्जरा योगानंद मोवा सत्यनारायण ज्ञानेंद्र प्रसाद चितगंडी गोवर्धन गौड़ ऐसे कई नाम सामने निकल कर आए हैं। तफसीलात में ये बताया गया कि मुकामी कारपोरेटर के मानने वाले और ये एक दूसरे के साथ भिड़ पड़े जिसके बाद पुलिस में एक दूसरे के खिलाफ भी शिकायतें दर्ज करवाई गई। पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में दोनों तरफ की शिकायतों का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्क की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज। ఈ రోజు ఉదయం 10 గంటల సమయంలో నల్లగండ్లలోని రంగనాథ స్వామి టెంపుల్ ఎదురుగా ఉన్న ఆ చెరువు దగ్గర బీజేపీకి సంబంధించిన కార్పొరేటర్ గంగాధర్రెడ్డి యొక్క వర్గానికి మరియు అదర్ బీజేపీకి సంబంధించిన ఇంకొక వర్గానికి మధ్యలో ఒక ల్యాండ్ విషయంలో ఇద్దరు గొడవ పడటం జరిగింది. వాళ్ళు ఇరు వర్గాలు ఒకరి మీద ఒకరు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మీద వాళ్ళకి కంప్లైంట్ తీసుకుని ఎంక్వైరీ చేసి వాటి మీద ఫర్దర్ యాక్షన్ ఉంటుంది.